हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं JDBC सीरीज। और आज हम बात करेंगे DAO के बारे में, DAO। और DAO का मतलब होता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारा एप्लीकेशन और जो बिजनेस लेयर होता है वो आइसोलेट होता है किससे, परसिस्ट जो हमारी लेयर होती है, परसिस्ट लेयर से आइसोलेटेड होती है। मींस अगर हमें कुछ भी स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंज करना होता है तो हमें क्या करना है, एप्लीकेशन या बिजनेस लेयर पे ही चेंज करना होता है, हमें परसिस्ट लेयर में चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका एक हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे इसको DAO को इम्प्लीमेंट किया था। तो यहाँ पर हमारे पास एक हमने ऑलरेडी एक यहाँ पर एक टेबल क्रिएट की हुई है। यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, मैं इसमें क्या करता हूँ कुछ डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास टेबल क्रिएट की हुई है जिसमें हमने कुछ डेटा इंसर्ट करवाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और नया प्रोजेक्ट में हम लेंगे DAO, DAO, DAO। और इसमें हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमने क्लास क्रिएट की डेमो और इसमें हम पब्लिक मेथड ऐड कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी जार फाइल ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, देन बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और यहाँ से हम इसमें ऐड एक्सटर्नल जार, और यहाँ से हम क्या करेंगे अपनी जार फाइल को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारी जार फाइल ऐड हो चुकी है। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, सॉरी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट DAO। और यहाँ पर हम, मैं इस ऑब्जेक्ट का नाम लेता हूँ DAO, वर्स टू न्यू स्टूडेंट DAO। यहाँ पर हमने क्या किया, एक क्लास क्रिएट की, सॉरी एक क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हम तक हमने क्या किया, एक क्लास नहीं क्रिएट की। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्लास क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। यहाँ हमने क्या किया, ये क्लास क्रिएट की, देन हम क्या करेंगे, दूसरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, स्टूडेंट क्लास का। यहाँ पर हम लेंगे स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू DAO डॉट, और यहाँ पर अभी तक हमने एक मेथड क्रिएट कर, सॉरी मेथड कॉल करेंगे। अभी तक हमने मेथड क्रिएट नहीं किए, हम इसको आगे अभी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट, और इसमें हम पास करेंगे टू, मीन्स सेकंड इंडेक्स वाला, जो यहाँ पर अगर आप बात करें तो सेकंड इंडेक्स वाला हमें जो भी रोल नंबर है उसका नेम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू। अब अभी तक हमने क्या किया, स्टूडेंट क्लास भी क्रिएट नहीं की। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टूडेंट क्लास क्रिएट कर लेते, स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टूडेंट क्लास क्रिएट की। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे इंटीजर, रोल नंबर, रोल नंबर एंड स्ट्रिंग नेम। यहाँ पर हमने क्या किया, नेम भी क्रिएट कर लिया। अब हम आते हैं अपनी स्टूडेंट DAO मेथड के अंदर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम मेथड क्रिएट करेंगे, कौन सी, गेट स्टूडेंट मेथड। यहाँ पर हम लेंगे पब्लिक
पब्लिक स्टूडेंट, स्टूडेंट, और यहां पर हम लेंगे गेट, गेट स्टूडेंट। और इसमें हमें क्या पास करना है, रोल नंबर। यहां पर हम लेंगे इंटीजर रोल नंबर, अब यहाँ पर इसको ऐड रिटर्न भी देना है, तो हम क्या करते हैं इसमें रिटर्न कर देते, और रिटर्न हम क्या करेंगे अभी यहाँ पर, रिटर्न हम यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते, तो यहाँ पर हम लेंगे स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पर हम रिटर्न क्या करेंगे अपने एस के ऑब्जेक्ट को, और हमारा यहाँ पर जो एस रोल नंबर इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, रोल नंबर मीन्स ये जो रोल नंबर होगा ये किस में पास होगा हमारा, इंटीजर रोल नंबर में। यहाँ पर हम देंगे एस इक्वल्स टू रोल नंबर, रोल नंबर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो सेवन स्टेप है हम स्टेप को यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम, मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर ड्राइवर डिफाइन किया था, मतलब लोड ड्राइवर को किया था। पहली स्टेप हमारी क्या थी, लोड एंड रजिस्टर ड्राइवर, तो हमने क्या किया, देन इस्टेब्लिश कनेक्शन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, मैं इसमें ओके थ्रोज कर देता हूँ। देन यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, थ्रोज करना पड़ेगा चेक एक्सेप्शन को, ये हमने क्या किया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हम क्यूरी फायर करेंगे, क्यूरी हमारे पास क्या आएगी, क्यूरी हमारे पास जो आएगी यहाँ पर हम लेता हूँ, मैं लेता हूँ स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमारी कौन सी स्टेप है, सॉरी यहाँ पर हमने इसे भी हमें पास करना है, यहाँ पर ये क्या किया हमने, कनेक्शन जो हमारा रेफरेंसेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मींस ऑब्जेक्ट में पास किया। यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें, शायद ओके यहाँ पर हमने इसको थ्रोज कर दिया, देन इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, थ्रोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूरी फायर करेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्यूरी इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल्स टू टू। तो यहाँ पर हम इसको, अब यहाँ पर जो मेरा नेम टू है यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पास करेंगे अपने रोल नंबर को, यहाँ पर हम किसको पास करेंगे अपने रोल नंबर को, यहाँ पर हम पास करेंगे रोल नंबर, यहाँ हमने पास किया अपना रोल नंबर। देन क्या करेंगे हम, स्टेटमेंट, देन हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं करता हूँ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हमारा रेफरेंस सॉरी इंटरफेस है, यहाँ पर हम इसका करेंगे स्टेटमेंट एसटीएमटी इक्वल्स टू, और किसके लेंगे कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। यहाँ हमने क्या किया, स्टेटमेंट क्रिएट किया, देन फिर हम क्या करेंगे, हमारी नेक्स्ट स्टेप कौन सी थी, एग्जीक्यूट क्यूरी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे, तो क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए हम किस में लेंगे, रिजल्ट सेट में, क्योंकि जब भी हम क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, एक रिजल्ट सेट होगा, मींस नंबर ऑफ रिजल्ट होगा। यहाँ पर हम लेंगे रिजल्ट, और किस में लेंगे स्टेटमेंट डॉट, यहाँ पर एग्जीक्यूट क्यूरी,
और इसमें हम पास करेंगे अपनी क्वेरी को। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारा कर्सर होता है वो सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर होता है, यहाँ पर। तो यहाँ पर तो अब इसको कर्सर को कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पर। यहाँ पर हम लाएंगे इसको कर्सर को, यहाँ पर लिखेंगे आर एस डॉट नेक्स्ट। ये हमारा कर्सर कहाँ गया, नेक्स्ट पर। देन हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग एक नेम लेंगे, नेम इक्वल्स टू और आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हम देंगे अपने कॉलम का इंडेक्स। यहाँ पर हमारा कॉलम कौन सा है, ये वन। तो यहाँ पर हमारा जो आप अगर देख सकते हैं, हमारा कॉलम कौन सा है, ये वन, जीरो कॉलम, ये वन कॉलम। तो ये हमने क्या पास किया, वन कॉलम। देन क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे हम नेम में। तो यहाँ पर हम एस डॉट नेम एक वास्तु किसको में पास कर देंगे, यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, अब हमारे ग्लोबली ऑब्जेक्ट में पास कर दिया। अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट करवाएंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और यहाँ पर हम किसको प्रिंट करवाएंगे, एस वन डॉट किसको, नेम को। यहाँ पर हमने क्या, नेम को प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पर अब जो दो सॉरी सेकंड रो का जो भी हमारा नेम होगा वो कहाँ पर, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर अब अगर आप देख सकते हैं तो ये हमारी एप्लीकेशन लेयर। तो जो भी हम डेटा चेंजेस करेंगे वो कहाँ पर करेंगे, हम एप्लीकेशन लेयर पे, ना कि हमारी कौन सी पर्सिस्ट लेयर, जो कि ये। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ ये तीन लाइन में ही हमारा जो भी है चेंजेस वो करना होगा। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आता है। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारा सेकंड नंबर पे क्या, हमारा श्याम। मैं अगर इसको चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5। यहाँ पर हम 5 का देख लेते हैं हमारा कौन सा है। 5 पर हमारा रवि है, और ओके रवि है। अब हम क्या करते हैं, अगेन इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा रवि प्रिंट हो चुका है। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे वो इसी लाइन में या हमारी जो बिजनेस लेयर में ही चेंजेस करेंगे, ना कि हम पर्सिस्ट लेयर में चेंज करें। तो ये था हमारा डाओ लेयर में हम डेटा कैसे एक्सेस करते हैं, डाओ लेयर के थ्रू, डाओ के थ्रू हम क्या डेटा कैसे एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखें हम डेटा ऑब्जेक्ट